पड़ोसी के सेफ्टी के लिए, अपने मोहल्ले वाले के सेफ्टी के लिए, अपने शहर वाले की सेफ्टी के लिए हमारे सभी भाई बहन घर के अंदर रात में कर्फ्यू टाइप ऑफ सिचुएशन में अपने आप को रखे हैं। यह देखकर बहुत खुशी हुई, घर के अंदर रहना लॉकडाउन में यह केवल अपने आप को बचाने के लिए नहीं है, ये अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले वाले, अपने सभी को बचाने के लिए है। इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। दिल में थोड़ी दुख भी है, थोड़ा दर्द भी है कि रमजान के इस महीने में, जो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल का महीना है, इसमें आप लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी दुख भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शहर की सेफ्टी, देश की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है। और इसीलिए आप लोगों ने जो ये सैक्रिफाइस किया है, ये कुर्बानी दी है कि घर के अंदर रह के इबादत करें, ये काबिले तारीफ है। और मैं जरूर समझता हूं कि ऊपर से अल्लाह सुभान व तआला ये देख रहे हैं कि जो मुश्किलें हमारे हैदराबाद के लोग को, हमारे इंडिया के सभी लोगों को इस वबा के कारण हुआ है, और इसमें जो लोगों ने अपनी जरूरतों की कुर्बानी की है, जो गरीब लोग को तकलीफ हुई है, जिनकी रोजी रोटी कुछ कम हुई है, उन सबको जरूर अल्लाह सुभान व तआला कॉम्पनसेशन देंगे आगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। आज जगने की रात और फिर दो दिन के बाद जमातुल विदा, इस तरह के फेस्टिवल में जो एक अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, एक संयम, एक अपने आप को रोक के रखने का जो एक मिसाल पेश किया है आप लोगों ने, वो आगे बहुत दिनों तक लोगों के जहन में रहेगा और याद रखेंगे। 10 साल के बाद, 50 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आज का जो साल है ये 2020, जब इसकी चर्चा होगी, जब इसके बारे में बात होगा कि कोरोना वायरस के समय क्या क्या हुआ, तो इस पाक महीने रमजान को जरूर याद किया जाएगा। ये अपने किस्म का एक यूनिक रमजान रहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम मिलकर जिस तरीके से गवर्नमेंट के बताए हुए डायरेक्शंस पर एक साथ चल रहे हैं, दूसरे देशों की के कंपैरिजन में, दूसरे शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद शहर सबसे पहले इस चीज से बाहर निकलेगा। और इसमें मैं आप लोगों से पूरी उम्मीद करता हूं, खास करके अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल घर से ना निकलने दें।